फाइल्स फाइल्स का ये पार्ट थ्री है, थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम गेटसी और एफगेटसी के बारे में पढ़ेंगे। गेटसी एफगेटसी हम ये फाइल इनपुट फंक्शन है, तो फाइल से डेटा को रीड करना हो तो ये दो फंक्शन यूज करते हैं। देखो इसका एग्जांपल प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। हमें फाइल से डेटा को रीड करना है तो हम कैसा करेंगे, देखिए इसमें अब कोई भी फाइल हो जाए उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो वो फाइल को तो ओपन करना होगा। तो इसे दो वैल्यूज हमें देना होगा, पहले फाइल का नाम कि कौन सा फाइल को ओपन करना है, तीसरा आके मोड। ये मोड क्या होता है, तो पर्पस बता रहे हैं कि किस पर्पस से लिए हम ओपन कर रहे हैं फाइल। तो हम आर बता दिए हैं, तो कंपाइलर हमको रीड मोड रीड बता देने के चलते वो हमको इनपुट स्ट्रीम दे देगा, क्योंकि फाइल से डेटा रीड करना हो तो माने कि फाइल से डेटा आने का है, प्रोग्राम को आना है ना, तो इसके लिए स्ट्रीम की जरूरत पड़ती है। वो रीड हम बता दिए हैं तो हमको इनपुट स्ट्रीम कंपाइलर प्रोवाइड करेगा, तो हम बता देंगे तो पर्पस बताएंगे तो हमको वो स्ट्रीम मिल जाएगी। तो फाइल सक्सेसफुली ओपन होने के बाद उसका एड्रेस हमको इस पॉइंटर में आ जाएगा, ये फाइल पॉइंटर में उसका एड्रेस रखना पड़ेगा। फाइल एक डेटा स्ट्रक्चर है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, समझो वो भी एक डेटा टाइप होगा। तो अब ये फाइल में एड्रेस आ जाने के बाद कभी कभी सक्सेस नहीं होता ये ऑपरेशन, माने कोई भी रीजन से फाइल सही ओपन नहीं हो पाए तो समझो कि आपको नल मिलेगा, इसके अंदर फाइल का एड्रेस की जगह नल मिल जाएगा। नल मिल गया तो प्रोग्राम ये मैसेज को डिस्प्ले करके टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट से हम टर्मिनेट कर ले सकते हैं। एग्जिट को कॉल करिए तो उसे जीरो पास कर दो तो टर्मिनेट कर देगा। तो इसके लिए बस ये हेडर फाइल लिखना है। तो ये कोड जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो टर्मिनेट, कोड एग्जीक्यूट होना बोले तो एफ ई में नल होगा तब ना, तो एफ ई में नल नहीं आएगा, रेयर में ही आएगा। तो फाइल सक्सेसफुली ओपन होगी उसका एड्रेस एफ ई में आएगा, उसका एड्रेस सक्सेसफुली एफ ई में आया तो समझना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, नल है तो ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, इसको छोड़ देगा, ये फॉल्स होगा ये छोड़ देगा। तो विदड्रॉ एक फाइल कॉन्टेंट्स बोल गए, हेडिंग प्रिंट कर लीजिए, उसके नीचे फाइल के कॉन्टेंट्स डिस्प्ले करेंगे। अब ये वाइल में आ जाऊँ, एफ गेट सी, अब इसी के बारे में हमको एग्जाम्पल लिए थे, एफ गेट सी इसका काम क्या है, तो फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करना, तो फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करना, कौन से फाइल से, हाँ फाइल पॉइंटर दिए, वो फाइल पॉइंटर किसे रेफर कर रहा है, उसके अंदर किसका एड्रेस है डेटा का, उस फाइल से कैरेक्टर को रीड करके रिटर्न करेगा, वो सी एच में आएगा। सी एच में आने के बाद तो वो प्रिंट होगा, फिर एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर आएगा, सेकंड कैरेक्टर, क्योंकि पहला कैरेक्टर रीड होते ही कंट्रोल वो अपने आप मूव हो जाएगा अंदर में, तो सेकंड कैरेक्टर आपको मिलेगा, तो सेकंड कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर थर्ड कैरेक्टर रीड होगा वो भी प्रिंट होगा। कब तक जब कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं, जब तुमको कैरेक्टर्स पूरे उसके अंदर खत्म हो जाते हैं आपको मिलेगा ई वो एफ। तो देखने में वो तीन कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, वो एक ही कैरेक्टर में हिसाब करो उसको, तो वो कैरेक्टर मिलेगा आपको एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, उसे भी एक कैरेक्टर, उसका भी कुछ वैल्यू होगा, माइनस वन शायद कुछ है इसका वैल्यू, तो वो माइनस वन ही तुमको मिलेगा समझो, वो वैल्यू हमें वो नाम रख लिया समझो, तो एंड ऑफ फाइल को एक कैरेक्टर समझो, तुमको मिलेगा एंड ऑफ फाइल, तो ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो है रीड किया हुआ कैरेक्टर, फाइल से जो रीड किया हुआ कैरेक्टर, जब वो सी एच में, जब यहाँ से रीड हुआ कैरेक्टर सी एच में आएगा ना, वो कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तो प्रिंट होगा, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ। अब समझो यहाँ रीड किया हुआ कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल है, तो सी एच के अंदर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर है, एंड ऑफ फाइल इक्वल हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू लिखा हुआ, नॉट इक्वल टू हो तो ट्रू होगा, इसका रीड किया हुआ कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो प्रिंट करेगा, एंड ऑफ फाइल आ गया मतलब एंड हो गया बोल के, जब ये फॉल्स होते ही यहाँ को आ जाएगा। ओपन किया हुआ आर फाइल को क्लोज करना है, क्यों क्लोज करना है, तो आप एफ ओपन एफ क्लोज एक वीडियो में, जस्ट इसका पहला वाला वीडियो में है वो आप देख ले सकते हैं, फाइल को क्लोज क्यों करना है, डेटा सेफ रहेगा क्लोज करने पे, और क्या क्या रीजन है वो आप देख सकते हैं एक वीडियो में, एफ ओपन एफ क्लोज के लिए अलग वीडियो है। अच्छा ये एग्जाम्पल था एफ गेट सी, एफ गेट सी एक इनपुट फंक्शन है लाइक स्कैन एफ, बट स्कैन एफ कीबोर्ड से डेटा को रीड करता है या फाइल से रीड करता है, स्कैन एफ कोई भी टाइप का डेटा को रीड कर लेगा स्कैन एफ कीबोर्ड से, बट ये कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को फाइल से रीड करना है तो ये यूज करते हैं, फाइल इनपुट फंक्शन है, ये फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करता है, अरे ये फाइल पॉइंटर उसे देना पड़ेगा, जब उसे हम फाइल पॉइंटर देंगे तो वो फाइल पॉइंटर से जो फाइल रेफर हो रही है तो वो फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करेगा। तो इसके एफ गेट सी के जगह में आप ए भी लिख सकते हैं गेट सी,
दो अलग अलग फंक्शन है बट काम सेम करते हैं। एफ गेट सी के बारे में लिखने के लिए बोला या एफ गेट सी के बारे में लिखने के लिए बोला तो आप यही मैटर लिख सकते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल। इसका सिंटैक्स क्या है, एफ गेट सी लिखना, फाइल पॉइंटर देना, सेमी कोलन दे देना। दिस एफ गेट सी फंक्शन रीड द कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल विच इज रेफर बाय द गिवन पॉइंटर। ये फाइल पॉइंटर से कैरेक्टर को रीड करेगा, कौन से फाइल से, जो फाइल का एड्रेस इसके अंदर फाइल पॉइंटर में रहता है। द फाइल पॉइंटर इज मूव वन कैरेक्टर फॉर ईच रीड ऑपरेशन। तो मेरे एक कैरेक्टर रीड हो गया तो कैरेक्टर फाइल के अंदर मूव हो गया रहेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड होगा नेक्स्ट टाइम। इट रिटर्न इंड ऑफ फाइल एट द एंड ऑफ फाइल। तुमको जब फाइल खत्म हो गया उसके अंदर कैरेक्टर नहीं है तो ई ओ एफ कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। उन्हें ई ओ एफ को एक कैरेक्टर समझो। ये है एफ गेट सी और एफ गेट सी का नोट्स है। थैंक यू।